नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे एक नए वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या कोलगेट से सही में स्क्रैच रिमूव होते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इतना बड़ा स्क्रैच यहाँ पर एक है मेरी एक्टिवा के ऊपर। तो दोस्तों चलो ट्राई करते हैं कि क्या कोलगेट से सही में स्क्रैच निकलते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों उससे पहले, चालू करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए होगा एक कोलगेट और चाहिए होगा छोटा सा कपड़ा जिससे आप दोस्तों इसे वाइप आउट कर सके। तो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि कई वीडियो के अंदर बताते हैं कि आपको लगाना है कोलगेट को अपने जहाँ पर आपका स्क्रैच पड़ा है वहाँ, जैसे कि ये देखिए। और दोस्तों आपको बाद में इसको करना है रब, उसको ऊपर घिसना है दोस्तों स्क्रैच के ऊपर सर्कुलर पैटर्न के अंदर। तो मैं वो करता हूँ सर्कुलर पैटर्न के अंदर, इसको घिसता हूँ मैं और देखता हूँ कि क्या सही में स्क्रैच निकलते हैं। अगर दोस्तों स्क्रैच निकलते हैं तो वाकई ही काफ़ी कमाल हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्क्रैच ऐसे ही निकल जाएंगे। क्योंकि अगर दोस्तों स्क्रैच ऐसे ही निकलते तो इतनी कंपनी वाले इतने पैसे नहीं लेते आपके पास से एक छोटा सा डेंट निकालने के लिए, एक छोटा सा स्क्रैच निकालने के लिए। अगर दोस्तों कंपनी वाले पैसे ले रहे हैं मतलब वो कुछ तो कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको अच्छे से रब कर लिया है मेरे इतने बड़े स्क्रैच के ऊपर जो कि काफ़ी बड़ा था। अब देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो कोलगेट का जो पेस्ट था ये काफ़ी हार्ड हो गया है। अब अगर मैं इसको रब कर रहा हूँ तो ये सीधा नीचे का पेंट ही दिखा रहा है। फिर भी इसको मैं थोड़ी देर और रब करता हूँ और देखते हैं। दोस्तों आपको इसको तब तक रब करना है जब तक कि आपकी उंगली या हाथ नहीं दुख जाता। दूसरे वीडियो के अंदर जैसा कि बोलते हैं, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस हैं इस टाइप के, तो लेकिन सच्चाई आज अपन ज़रूर फाइंड करेंगे कि क्या है सही में निकलते हैं या नहीं निकलते। दोस्तों मैंने इसको एकदम अच्छे से घिस दिया, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से घिस गया है, यहाँ तक कि मेरी उंगली भी दर्द करने आ गई है अब। यार मेरी उंगली भी छुल रही है अब तो, यानी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। तो चलो मैं इसको साफ़ करता हूँ एक कपड़े से। देख, ये मैंने ले लिया है कपड़ा, अब इसको मैं घिसूंगा अच्छे से और देखते हैं कि क्या स्क्रैच निकलते हैं या नहीं निकलते। आपको दोस्तों इसको घिसना है और देखते हैं कि स्क्रैच क्या वाकई निकल रहे हैं या फिर ऐसे लोग वीडियो में उल्लू बनाते हैं या फिर सिर्फ व्यूज पाने के लिए करते हैं। दोस्तों मुझे तो नहीं लग रहा कहीं पे भी कि इसके ऊपर से स्क्रैच निकले हैं। इनफैक्ट कुछ लगा ही नहीं है, कुछ हुआ है बस सिर्फ बड़ा सा वाइट धब्बा है पूरी ये साइड के पैनल के ऊपर कि हाँ इस तरह कुछ घिसा गया था। बाकी लग रहा तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि स्क्रैच निकला है, क्योंकि दोस्तों स्क्रैच इतना बड़ा हुआ अभी का भी ऐसा का ऐसा ही अभी भी। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसको कर दिया है बिल्कुल क्लीन, पर अब दोस्तों ये आप ही बताइए कि क्या कोलगेट से स्क्रैच निकल रहे हैं। अगर आपके किसी के ऐसा हुआ है तो दोस्तों मेरे वीडियो के कमेंट ज़रूर करना मेरे वीडियो को कि हाँ मेरे ऐसा निकला है। अगर नहीं निकला तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे अगर आप फ्यूचर के अंदर मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।